कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि सत्ता के लिए देश के जवानों की जान लेने वाले आतंकियों को कानून से बचाने का वादा करे। नीचता की इस हद को पार किया था अखिलेश यादव ने, जिसने कुर्सी की लालच में अपने घोषणा पत्र में रामपुर में हुए 7 सीआरपीएफ जवानों के हत्यारे आतंकियों के ऊपर लगे केस को वापस लेने का वादा किया था। इन आतंकियों ने 31 दिसंबर 2007 की रात 2:30 बजे सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला किया था। आतंकियों ने गेट पर मौजूद जवानों पर AK-47 से गोलियां बरसाई और हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे। इस हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों की प्यारी समाजवादी पार्टी ने 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि आतंकवादियों को लगे मुकदमों से रिहा कराया जाएगा। बाद में सपा सत्ता में आई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना, जिसके बाद अखिलेश ने मुकदमा वापस लेने के लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी, जिस पर प्रशासन के लोगों ने कड़ा विरोध जताया था। इसके बाद ना चाहते हुए भी आतंकी प्रेमी अखिलेश को पैर पीछे खींचने पड़े थे। जिन खतरनाक आतंकियों का ये अखिलेश केस वापस लेने की बात कर रहा था, उनमें से 4 को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। जरा सोचिए, अगर अखिलेश इन आतंकियों को बचाने में कामयाब हो जाता तो ये हैवान और कितने लोगों की जान ले लेते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सत्ता के लालच में कोई अपने देश से गद्दारी कैसे कर सकता है। अब समय आ गया है इन गद्दारों को उनकी असली औकात दिखाने का, देशद्रोहियों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ भगाने का।